नमस्कार बैक टू यू ओन चैनल वेल्थ सज्वेंटी टू ऑफ़ अप्रैल 2024 फिर से लोग डरे हुए हैं कि यूएस मार्केट में इतनी भयंकर गिरावट है डाओ जोस पांच पॉइंट डाउन है क्या हमारी मार्केट में करके दिन फिर से एक ब्लड बात दिखाई पड़ेगा तो so, दोस्तों ये समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूएस मार्केट में गिरावट का रीज़न क्या है सर दोस्तों यूएस मार्केट में गिरावट का रीजन यूएस मार्केट खुद है वहाँ की अंडर परफॉर्मेंस है अब स्टॉक लाइक मेटा फेसबुक जिसको कि फेसबुक बोलते थे वो खुद ही साढ़े ग्यारह परसेंट के आसपास गिरा हुआ है वहाँ की यू की जी है अगर हम लोग बात करें आज के दिन कोटक महिंद्रा बैंक दस गिरा तो क्या आपको लगता है इंडियन मार्केट में फर्क पड़ा है कोई फ़र्क नहीं पड़ा है उसी प्रकार से दोस्तों मेरे हिसाब से यूएस मार्केट में इस गिरावट का जो कि स्पेसिफिकली आईटी स्टॉक ड्रिविन फॉल है मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट्स में इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है और अगर भी अगर पड़ता भी है तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपकी नजरें उन स्टॉक्स पे होनी होनी चाहिए जो कि इस समय आपको एक रीजनेबल वैल्यूशन में मिल रहे हैं अब दोस्तों हम लोग दो स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे स्टडी करेंगे जो कि इस समय आपको बहुत ही रीजनेबल वैल्यूशन में मिल रहे हैं मतलब दस की पी के आसपास मिल रहे हैं अब दोस्तों प्रॉब्लम तभी आती है जब आप महंगे इस वैल्यूशन पे महंगे स्टॉक्स को बाय करते हैं दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में ही बात कर लेते हैं और दो जिन स्टॉक्स के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे वो लोग वो स्टॉक्स आगे डिस्कस करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक 45, 50 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा था अभी ये स्टॉक गिर गिरा करके इतने टाइम करेक्शन के बाद पहुँचा है ट्वेंटी के पी के नीचे इनफैक्ट कोटक महिंद्रा बैंक इस समय एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे खड़ा है जो कि है 1650, 1640 लेवल्स ये लेवल अगर सर्वाइव हो गया तब तो ठीक है और इनफैक्ट ये जो लाइन बनी हुई है नेचुरल लाइन बनी हुई है से ही आप समझ सकते हैं यहीं इसी लेवल से 1640, 1650 के लेवल से कोटक महिंद्रा बैंक कितनी बार बाउंस बैक किया कैन यू सी दिस इस लेवल से ही कितनी बार बाउंस बैक हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक में अनफॉर्चुनेटली अगर ये 1650 का लेवल ब्रिज कर जाता है दोस्तों यहाँ से कोई मेजर सपोर्ट नहीं है अप टू द लेवल्स ऑफ 1300। दिस इज़ समथिंग व्हाट यू शुड बी अवेयर ऑफ मैं दोस्तों आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आई एम नॉट मेकिंग यू अफ्रेड बट वाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू लोग क्या होता है दिखाई पड़ता है लेकिन फिर भी नज़रअंदाज करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता यार लेकिन दोस्तों ये स्टॉक मार्केट है यहाँ सब कुछ हो सकता है ये जो लेवल आप देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है बहुत ही स्ट्रॉग लेवल है यहाँ से जनरली बाउंसबैक आता है एक्सपेक्ट हम भी यही कर रहे हैं कि बाउंसबैक होना चाहिए लेकिन अगर बैक नहीं होता है तो यहाँ से एक बड़ी गिरावट आ सकती है और उसके बाद तेरह तक कोई मेजर सपोर्ट है नहीं एनी anyway, वे दोस्तों हम लोग अगर बात करें कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनमें कि अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं अच्छी न्यूज़ है, है जिनको कि आप स्टडी कर सकते हैं सबसे पहला स्टॉक जो कि मात्र 10-12 के पी के एस मिल रहा है अराउंड टेन के पी के एसत मिल रहा है स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक अब बात करें प्रोमोटर होल्डिंग की प्रोमोटर होल्डिंग को तो फिफ्टीन के नीचे है क्योंकि आर की गाइडलाइंस हैं अगर बात करें पब्लिक होल्डिंग की तो पब्लिक होल्डिंग आठ से भी नीचे इसका मतलब सोचते हो इसका मतलब यह है कि नाइनटी ऑफ द होल्डिंग इज़ विथ स्ट्रॉग हैंड्स रिटर्न रेशोज़ के बारे में बात करें फोर्टीन परसेंट का रिटर्न इक्विटी ये कंपनी ऑफ़र कर रही है मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे रिटर्न रेशोज़ हैं या बहुत अच्छी कंपनी है बट अगर आप देखेंगे अपने पीयर से तो एक एक बेहतरीन रिटर्न परफॉर्म करने वाली कंपनी है अभी रिसेंटली ही कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं इस समय जब बड़े बड़े दिग्गज बैंक लगे एच बैंक बिल्कुल फ्लैट रिजल्ट पोस्ट कर रहे हैं कंपनी के सेल्स में अगर आप देखें तो करीब करीब पांच परसेंट के आसपास का इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें सिक्सटी फाइव हंड्रेड सिक्सटी फाइव हंड्रेड ट्वेंटी करोड़ के एक दो तो बड़ा कर तो आपको अच्छा समझ में आएगा सिक्स फाइव टू जीरो करोड़ के कंपनी के प्रॉफिट्स थे दिसंबर क्वार्टर में जो कि बढ़ करके सेवन सिक्स थ्री जीरो करोड़ के आए हैं मतलब अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो फिफ्टीन परसेंट का जंप है इस समय जब बड़े बड़े पीयर्स लाइक एच डी एफ सी बैंक बिल्कुल फ्लैट रिजल्ट पोस्ट कर रहे हैं ऐसे में दोस्तों ये स्टॉक भी बहुत रनअप नहीं किया हुआ है अगर आप देखें तो ये स्टॉक जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है वहीं से अभी भी दो तीन दिन पहले ही बाउंस बैक किया है 1000 के लेवल पर दोस्तों 1000 के लेवल पर ये स्टॉक सितंबर अक्टूबर 2023 में ट्रेड कर रहा था मतलब अगर आप देखें तो करीब सात आठ महीने पहले जिस प्राइस पर स्टॉक ट्रेड कर रहा था अभी भी तीन दिन पहले ये स्टॉक इसी प्राइस लेवल पर ही था ऐसे में दोस्तों स्टॉक को ये कहना कि स्टॉक बहुत रनअप हो गया है दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट अच्छा स्टॉक के टेक्निकल चार्ट को स्टडी करें सो so, ये एक ट्रेंड लाइन है जिसके रेजिस्टेंस पर आते ही स्टॉक गिर जा रहा है कैन यू सी दिस आई एम शोइंग यू नंबर ऑफ इंस्टेंसिस जब ये स्टॉक इस लेवल पर है और पहुँच के फिर गिर गया पहुँचा है फिर गिर गया, पहुंचा है, फिर गिर गया। पहुंचा है फिर गिर गया अभी अभी आज के दिन स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक किया है स्टॉक का लेवल कौन सा है वन वन टू ज़ीरो प्रिसाइजली वन वन टू जीरो का लेवल है जिस लेवल को आज के दिन स्टॉक ने ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है इफ़ यू आस्क मी मेरा क्या व्यू है सो so, दोस्तों मेरा व्यू स्टॉक को लेकर के काफ़ी स्ट्रॉग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और अगर आप मुझसे पूछें कि क्या लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं तो so, दोस्तों यहाँ से स्काई इज द लिमिट क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अपने सारे हर्डल्स को ब्रेक करके रनअप uh, करने के लिए तैयार है ना इफ यू आस्क मी एज अ ले मैन क्या लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं सो so, ये वो रेंज है जो कि स्टॉक में आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए और ये रेंज है मोटा मोटा हंड्रेड पॉइंट्स की तो यहाँ से करीब करीब ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेंटी ट्वेल्ल हंड्रेड फोटी तक के लेवल्स आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए एज फार एज टेक्निकल चार्ट्स आर कंसर्न ना सेकेंड स्टॉक अगेन ये स्टॉक भी मात्र दस के पी के मिल रहा है दोस्तों स्टॉक के नाम को भी जानेंगे जनरली क्या होता है लोग स्टॉक के नाम को जानने के लिए आते हैं अगर मैं बताऊं दोस्तों ये कंपनी भी ये जिस दिस स्टॉक इज जस्ट यू नो अगर पब्लिक होल्डिंग के बारे में बात रहे तो सिर्फ साढ़े सात परसेंट की पब्लिक होल्डिंग है मतलब नाइनटी टू पॉइंट फाइव परसेंट की जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो इसी बात से आप समझ सकते हैं कि स्टॉक कितना स्ट्रॉन्गली हेल्ड है स्टॉक इज़ सो स्ट्रॉन्गली हेल्ड कि इसमें पब्लिक होल्डिंग ही कुछ नहीं है अच्छा रिटर्न रेशोज़ के बारे में बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी इज क्लोज टू थर्टीन परसेंट तेरह परसेंट की रिटर्न ऑन इक्विटी है अब चूंकि ये बैंकिंग स्टॉक है दोस्तों तो उसमें डेट और रिटर्न ऑन कैपिटल का कोई मतलब नहीं है लेकिन डिविडेंड डील के बारे में बात करें डेढ़ के आसपास की डिविडेंड डील भी ये कंपनी ऑफर कर रही है और पी मात्र टेन का दोस्तों सिंपल चीज़ है इस समय जब स्टॉक्स ओवर वैल्यूड घूम रहे हैं निफ्टी फिफ्टी जब ऑल टाइम हाई अब ट्रेड कर रहा है अच्छे वैल्यू के स्टॉक्स को फाइंड आउट करना बहुत बड़ा चैलेंज है और दोस्तों चूंकि ये बैंकिंग स्टॉक है तो इस समय जब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लाइक कोटक महिंद्रा बैंक को गवर्नमेंट बहुत ही ना बहुत ही रेगुलेटरी नॉर्म्स को अगर हम लोग देखें तो ये रेगुलेटरी नॉर्म्स को बहुत जल्दी फ्लाउट कर देते हैं और फ्लाउट कर देते हैं तो उस चक्कर में क्या होता है यू नो बहुत ही कड़ी नजरें रहती हैं आरबीआई की ऐसे में दोस्तों स्टॉक के बारे में जो कि है एसबीआई जो कि इंडिया का सबसे बड़ा आ, बैंक भी है सबसे ज़्यादा ए टी हैं सबसे बड़ी ब्रांचेज हैं इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है अगर आप कंपनी के परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले करीब आठ दस क्वार्टर से आपको हर एक क्वार्टर में कंपनी में इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा फिर चाहे वो सेल्स हो फिर चाहे वो प्रॉफिट्स हो अगर आप देखेंगे तो लगातार आपको कंपनी के प्रॉफिट्स में इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई पड़ेगा विली निली विली निली अगर आप देखें तो स्टॉक में इंप्रूवमेंट ही एक आध क्वार्टर इसको छोड़ दे तो, तो दैट इज सेपरेट इशू और ये स्टॉक जो कि इस समय बहुत ही स्ट्रांगली हेल्ड है और अपने इंपॉर्टेंट लेवल एट को ऑलरेडी ब्रीच कर चुका हो जो कि ऑल टाइम हाई लेवल से इसको ऑलरेडी ब्रीच कर चुका है स्टॉक में तो ये स्टॉक यहाँ पर रुकने वाला नहीं है क्योंकि दोस्तों इससे क्या होता है इससे ये एक इंडिकेशन मिलता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक में कुछ भी उथल पुथल होगी तो इसका मेजर बेनिफिट कहाँ मिलेगा पब्लिक सेक्टर बैंक बैंकों लोगों का कॉन्फिडेंस कहाँ पे है सरकारी बैंकों पे और सरकारी बैंकों का जो सबसे बड़ा लीडर है वो क्या है एसबीआई मेरे हिसाब से इफ़ यू आस्क मी कि क्या लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं स्टॉक में तो जो सबसे पहला लेवल मुझे दिखाई पड़ रहा है वो है एट हंड्रेड एट्टी का दिस द फर्स्ट लेवल विच आई एम सींग इन द स्टॉक और यहाँ से मेरे हिसाब से स्टॉक में रुकावट होनी नहीं चाहिए स्टॉक इज रेसिंग फॉर एट हंड्रेड एट्टी लेवल्स सो दोस्तों ये वो दो तीन स्टॉक्स हैं जिनको कि आप स्टडी कर सकते हैं जो स्टॉक मुझे पॉजिटिव लगे जिनमें कि स्टडी की जा सकती है वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है आई होप आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद If yes, do not forget to smash the like button. Until then, bye bye for now.